और ये है ताजमहल की मेन एंट्रेंस। मैडम आप उधर से आ जाइए बैग को स्कैन करा के। ये हो गई है सिक्योरिटी चेक और यहाँ पर ट्राईपॉड अलाउड नहीं है। ये गोप्रो की जो स्टिक होती है उसका भी ट्राईपॉड उन्होंने निकाल के रख लिया है। ताजमहल का फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं फोर कोर्टयार्ड, मीन्स फोर गार्डन एंड फोर गेट। जिधर से आपने एंट्री किया है ये है ईस्टर्न गेट, इसको बोलते हैं VVIP। जितनी भी जो ताजमहल में VIPs आती हैं उसी गेट से एंट्री करते हैं, इसी से एग्जिट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं VIP। वो सामने वाला गेट देख रहे हैं वो वेस्टर्न गेट है, उसको बोलते हैं नॉन एज अ लोकल पब्लिक जनरल गेट। जितनी भी जो ताजमहल में लोकल पब्लिक आती है वो इसी से एंट्री करती है, इसी से एग्जिट करती है, वेस्टर्न गेट। ये है साउथ गेट, नॉन एज अ वर्कर कॉलोनी गेट। जिस लोगों ने ये ताजमहल बनाया था 20,000 लोगों ने, वो लोग ऐसे ही एंट्री करते थे, ऐसे ही एक्सेप्ट करते थे। इसके पीछे अभी भी लेबर कॉलोनी बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। ये है फोर्थ मेन एंट्रेंस गेट ताजमहल में जाने के लिए, इसको बोलते हैं रॉयल गेट, रॉयल स्मिथ शाही दरवाजा। सेकेंड थिंग, इस गेट की ब्यूटी देखेंगे, जो वाइट बॉर्डर देख रहे हैं ना, हाँ, नीचे से ऊपर तक देखने में आपको सेम नज़र आएगा, लेकिन ये सेम नहीं है। जैसे नीचे से ऊपर गया, बिगर 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 बिगर, उसको भी सेम में बनाया, नीचे छोटा ऊपर बड़ा। अगर ऊपर जाके बड़ा नहीं करते तो यहाँ से देखने में छोटा नज़र आता तो गेट की ब्यूटी नहीं आती। अच्छा, तो इसको ऊपर वाइट की स्ट्रिप है चारों तरफ जो बनी हुई, इतना उर्दू की लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू हाइट इसको बढ़ाते गए साइज के ऊपर। इसके अंदर में जो ब्लैक लाइटिंग देख रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कोई कलर या पेंटिंग है, लेकिन ये कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है, रियल स्टोन है। स्टोन का नाम है ब्लैक ऑनेक्स फ्रॉम बेल्जियम, जो कि वाइट मार्बल में काट के फिट किया गया, जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा है। आपको पता है जितने भी जो लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से राइट करते हैं, हिंदी या इंग्लिश हुआ, लेकिन जो अरबिक होती है उसको राइट से लेफ्ट लिखते हैं, उसको उल्टा लिखते हैं। ये होली कुरान की फर्स्ट आयत है जो मुस्लिम लोग मॉर्निंग प्रे करते हैं। सेकेंड थिंग, जो आप वाइट डोम देख रहे हैं ना मिडिल में, ये उर्दू नहीं है, ये अरबी है। जो मिडिल में जो वाइट डोम देख रहे हैं ना मिडिल में, अगर आप काउंट करेंगे तो 11 फ्रंट साइड से 11 बैक साइड, टोटल कितना हुआ 22। तो ताजमहल को बनाने में 20,000 लोगों के द्वारा, जैसे ही वन ईयर कम्प्लीट हुआ, जैसे ही वन डोम बना दिया, जैसे ही टू ईयर कम्प्लीट हुआ टू डोम बना दिया। तो ये सिंबल है, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। सेकंड थिंग, इस गेट की हाइट देखिए, जो ऊपर ही घूम, हाँ, जो वाइट छोटे से छोटे से वो 22 22 सेकंड थिंग, इस गेट की हाइट देखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप 35 मीटर, अबव 105 105 फीट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप ये छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, टोटल 210 रूम है, जो वर्कर हाँ, जो वर्कर इसमें काम करते थे, आफ्टरनून में लंच करना, रेस्ट करना, उसके बाद में वो काम करते थे, काम खत्म करने की बात है, रहते थे इस गेट के पीछे से लेबर कॉलोनी में, यहाँ पे नहीं रहते थे, इनके ये क्वार्टर बने थे लंच करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। बाकी का सर आपको अंदर
सारा टावर देख रहे हैं ना मतलब, ये आपको ऐसा लग रहा है सीधा है लेकिन ये सीधा टेढ़े है, ये थोड़ा सा आउटसाइड को हिल कर रखा है। क्यों? भूकंप की वजह से लग रही है। आने वाले समय में कोई भूकंप या तूफान आता है तो आउटसाइड क्यों गिरेंगे, अगर इनसाइड गिरेंगे तो बिल्डिंग डैमेज हो जाएगा, इसलिए चारों टावर को टिल कर रखा है आउटसाइड की। जो व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ना, इसका रियल नेम है मकराना मार्बल, जो कि राजस्थान से आया था। राजस्थान में एक सिटी है मकराना नाम की, वहाँ से पूरा व्हाइट मार्बल आया। जितना भी जो रेड स्टोन देख रहे हैं, सैंड स्टोन है, जो कि फतेहपुर सीकरी से आया था। यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सीकरी। सेकेंड थिंग, जो लेफ्ट हैंड साइड बिल्डिंग देख रहे हैं ना, सेम बिल्डिंग राइट हैंड साइड है, देखने में सेम है लेकिन नेम डिफरेंट है। इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, राइट वाले को। हाँ, जितने भी ये शाहजहाँ के गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, वो लोग स्टे करते थे, क्योंकि आउटसाइड में कोई होटल कोई लॉज नहीं थे तो ये उनके लिए बनाया था। और जो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्डिंग है ना, ये है मॉस्क, मस्जिद। ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है तो उसमें नमाज होता है एवरी फ्राइडे ताजमहल। ये देख रहे हैं ना, ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से बिल्डिंग की दूरी देखेंगे, इस गेट की दूरी देखेंगे तो सेम है, ये सेंटर पॉइंट है ताजमहल। अच्छा, ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था 1631 और बन के कम्प्लीट 1653। तो ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, इसलिए ये 22 डोम बनाई थी ऊपर, लेकिन बन के कम्प्लीट हुआ 1653। अगर अंदर में आप काउंट करेंगे तो जो गार्डन है वो 16 गार्डन है, 8 इधर की साइड है, 8 उधर की साइड। और ये आप काउंट करेंगे फाउंटेन में 53 फाउंटेन स्टार्टिंग टू लास्ट। क्यों? इसको ईजिली याद रखा जाए कि इस सन में ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ था 16 गार्डन 53 मिलकर सेंटर पॉइंट है। यहाँ से उस वाली बिल्डिंग की दूरी देखेंगे, उस बिल्डिंग की दूरी देखेंगे तो सेम है, ये दोनों बिल्डिंग क्या है। उस टाइम पे ये ड्रम हाउस थे, म्यूजिक सिस्टम जो कि शाहजहाँ आते थे देखें मुमताज की याद में ताजमहल को देखने के लिए। तो जो वाइट बेंच है वहाँ से देख रहे थे दोनों बिल्डिंग म्यूजिक होता था, लेकिन अभी उस बिल्डिंग को बंद कर दिया है, इसको ताज म्यूजियम बना दिया है। जितना भी जो स्टोन टूट था वो रख देते हैं फॉर मेन। अभी इसमें देखेंगे ना कई सारा स्टोन अभी नया लगा हुआ, तो उसको जहाँ से वो टूटा था जो पुराना वाला था वो उसमें अभी उस बिल्डिंग को क्लोज कर। हाँ, ओके बाय। देखने में ऐसी भी झुकी हूँ बिना उसके साथ, जिनमें किनारे नहीं होती थी गाँव में। जो किंग शाहजहाँ थे उनकी 3 वाइफ थी, फतेहपुरी बेगम, सिरहिंद बेगम, बेगम मुमताज। जो बेगम मुमताज थी उनका रियल नाम था अजमन बानो बेगम। उनकी डेथ हुई थी एमपी बुरहानपुर मध्य प्रदेश, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। उसमें से 8 लोग बर्थ के टाइम पे ख़त्म हो गए थे, जो 6 लोग बचे हुए थे उनका नाम था सुराज, मुराज, औरंगजेब, दाराशिव। को 2 बेटी थी, रोशनारा एंड छानारा। जो उनका बेटा था औरंगजेब, अपने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट में, प्रिजर्व कर लिया था। वो क्यों किया था? क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे क्या नाम था असली मुमताज बेगम का? अजमन बानो बेगम। अजमन बानो बेगम, वो ईरान से। अच्छा, हाँ। तो इस बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग है, वो है ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन बना हुआ है वो। अच्छा। लेकिन बनके कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? हाँ। वो अभी मैं आपको बता था, क्योंकि जो उनका बेटा था औरंगजेब, अपने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट। अच्छा। इसलिए वो बनके कंप्लीट नहीं हुआ। अरेस्ट क्यों किया था? क्योंकि ताजमहल को बनाने में 4 करोड़ रुपये लगे थे, अगर उसको भी बनाते तो इससे ज़्यादा ही पैसा लगता, तो खजाने का सारा पैसा ख़त्म हो जाता, तो आगे का शासन कैसे चलेगा। इसलिए अपने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट में। बना क्यों रहे थे? ये अपनी वाइफ के लिए बनाया था। अच्छा, वो अपने लिए बना रहे थे। अच्छा, क्योंकि मेरे मर जाने के बाद में जो मेरी ग्रेव रहेगी वो ब्लैक ताजमहल में रहेगी, लेकिन वो बनके रेडी नहीं हुआ, ये दोनों इधर। लेकिन अभी भी जो वो अलग ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन है उसको बोलते हैं मेहताब गार्डन, मून बाग। अच्छा, वो बन गया था आधा थोड़ा बहुत? हाँ, अभी फाउंडेशन बना हुआ, पूरा पूरा नहीं बना, बस काम स्टार्ट हुआ था।
तो अभी उसको बोलते हैं मेहताब गार्डन, वो भी अभी ASI के अंडर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दोनों बिल्डिंग उसी के अंडर था। उसका भी टिकट लगता है कब, वहाँ पे लोग कब जाते हैं, जब ये ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है तो वहाँ से ताजमहल को देखते हैं। वैसा ही है वो नहीं, हाँ लेकिन वो बना रहे थे ऐसा, लेकिन वो बन के कम्प्लीट नहीं हुआ, वो बस फाउंडेशन ऐसा बना हुआ है। तो जो वाइट मार्बल का जो इतना भी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, हाँ क्योंकि इसका फ्रंट बैक लेफ्ट राइट किधर से भी देखेंगे तो सेम नज़र आएगा, इसलिए इस बिल्डिंग को देखते हैं सिमेट्रिकल बिल्डिंग, क्योंकि ये बैक साइड भी इसका सेम है, फ्रंट एंड बैक किधर से भी देखेंगे तो बैक साइड तो ये है ना, फ्रंट तो वो है, फ्रंट ये ना बैक साइड, लेकिन आप किधर से भी देखेंगे इसको सेम नज़र आएगा, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक किधर से भी आप यहाँ पे बैठ के कवर करें। तो आपको ताजमहल में जाने के लिए शू कवर करने पड़ेंगे, सो दैट बिल्डिंग गंदी ना हो, मार्बल येलो ना हो। चलो भाई चलो अंदर। ये है ताजमहल की लेफ्ट साइड की बिल्डिंग, जो कि एक मॉस्क है। फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, तो उस समय यहाँ पे नमाज पे होती है। ये है एंट्री सिक्योरिटी। यहाँ से आपका उसका कितनी हाइट लग रहा है, किसका क्या चीज़, जो मेटल है ना होगा? नहीं तो वो तो मैंने आके ऊँचाई, नहीं नहीं नीचे से केवल जो मेटल का पार्ट है वो कितना बड़ा है, मेटल का पार्ट 10 फुट, अरे वो 2.5 मीटर उसका है, 31 फिट, 31 फिट है, मतलब कितने मीटर का होगा, 11 मीटर, 31 फिट, मैं 10 फिट बोल रहा हूँ। वो चेंज हुआ है ना, नहीं ये पहले गोल्ड का था। हाँ पहले गोल्ड का था, फिर चेंज कर दिया, ब्रास का लगाया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, वो निकाल लिया, वो निकाल के ले गए थे यहाँ से, कोहिनूर लेके गए, यहाँ कोहिनूर आगरा फोर्ट में था, अभी वो इंग्लैंड में रखा हुआ है, जो वहाँ का लंदन टावर पे, वहाँ से कोहिनूर लेके गए थे, यहाँ से सारा गोल्ड लेके गए, अभी इनको हटा देंगे तो हाफ कंपनी लग जाएगी, इसलिए इनको मेटल का लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट आई। क्या चीज बिल्कुल सेम वैसी बना के लगाया, नया कैसे ये ऊपर से लगाया है, ये सिंगल पीस है, ये नया वाला। लकड़ी का मार्बल था, वो ऐसे हो गया उसके ऊपर से लगा दिया लकड़ी का, अभी भी इसके अंदर साइड है ना, निकल जाने जो बना हुआ ऐसे ही पूरा मून लाइट में था। उसकी रहती है 510 रुपीज़। किस टाइम? अच्छा मून लाइट, ऐसा क्यों मून लाइट वो रात में स्पेशल है, अभी देख रहे हैं ना शाइनिंग कर रहा है, कुछ पत्थर चमक रहे हैं देखो, तो ऐसे मून लाइट पे सारा चमकता है ये पूरा। अब ये कलरफुल डिजाइनिंग देख रहे हैं, ये रियल जेम्स है, हाँ ये डिजाइन स्टोन्स है, ये स्टोन्स है जैसे जेस्पर, मेलाकाइट, कॉरेलियन, ब्लैक ऑनेक्स, लैपिस-लाज़ुली, डिफरेंट काइंड के जेम्स हैं जो रिंग्स में यूज होते हैं। बताइए कहाँ इतना महंगा होता है मूंगा वूंगा और उन सबका ये पूरा बनाया हुआ है, काफ़ी सारी उसी की है, इन काइंड के स्टोन है, देखिए लगता है ऐसा कोई कलर या पेंटिंग है, लेकिन ये कोई सॉरी
हाँ वो अगेन उसको रिपेयर किया गया, टूट गया था वो, उसको 16। तो ये पूरा रियल जेम्स है जो कि वाइट मार्बल में काट के फिट किए गए, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कोई कलर या पेंटिंग है। और इनको काट के निकाला गया, ये इतना मोटा पत्थर था उसमें से ये निकाला गया, फिर उसको स्लेम किया गया पत्थर से, पत्थर को घिस के, क्योंकि उस टाइम पे मशीन कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो पूरा हैंडमेड। ये देखो क्या चीज़, पार्ट कहाँ पे, ये सेंट्रल लाइन, हाँ हाँ उसके अंदर में भी छोटा है और वो भी है, जो बड़ा वाला है वो राजा का है और जो छोटा वाला है वो मुमताज का है। चल और ये है ताजमहल की बैक साइड जहाँ पर यमुना नदी बहती है, ये है ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन। अच्छा वो ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन, हाँ अभी मेहताब गार्डन बोलते हैं। ओके और ये यमुना के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आगरा फोर्ट, वहाँ पे राजा को अरेस्ट किया गया था। साइड में ही बह रही है वो ब्लैक ताजमहल, वहाँ बनने वाला था सामने। मगर औरंगजेब ने अपने फादर को इम्प्रिजन कर लिया तो नहीं बन पाया। ये मॉस्क, वो है गेस्ट हाउस, ओरिजिनली जहाँ से हम आज ताजमहल को देखते हैं वो बैक साइड है ताजमहल की, मेन फ्रंट साइड ये है। इसके अगर पीछे से जाके देखेंगे तो उसकी वॉल पे बहुत सुंदर कैलीग्राफी और नक्काशी भी है। ताजमहल को देखने शाहजहाँ और उनके गेस्ट इस साइड से ही बोट से आते थे यमुना रिवर से, वो एक्चुअली बैक साइड है ताजमहल की जहाँ से हम आज ताजमहल को देखते हैं। ये इसकी रियल फ्रंट साइड व्यू, इस ताजमहल को आप उधर से देखेंगे तो पूरा रिफ्लेक्शन यमुना नदी में आता है, जैसे वो टावर तो उधर से भी वो बन के रेडी हो जाता, तो यमुना नदी में ब्लैक एंड वाइट आता है, तो यहाँ के लिए ब्रश बनाते रास्ता बनाते जाने के लिए, सेंटर से देखते तो दोनों बिल्डिंग का अच्छा रहता है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, इसलिए इसके पीछे बना रहते हैं। वो आगरा फोर्ट है वो तीन एरिया और इधर देख रहे हैं ना, ये भी सेम दिखते हैं, ये भी सेम मेहताब, इधर भी देखेंगे सेम नजर आएगा, जो इधर होगा वही इधर होगा। ये था गेस्ट हाउस जो कि बंद हो चुका है और ये रहा ताजमहल। बाय।
का होता होगा। हाँ वही और लेकिन जितना भी आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये पहले इतने मेंटेन गार्डन नहीं थे जो अभी देख रहे हैं ना। हाँ। ये अभी इतने मेंटेन गार्डन नहीं थे, ऐसे पेड़ थे। हाँ, हाँ। तो ये पूरा ताजमहल ढका हुआ था पहले। अच्छा, अगर आपने फोटो में देखा होगा ना, ओल्ड फोटो देखा होगा, तो ढका हुआ है पूरा ताजमहल। ये वाला है चंदन का। हाँ ये भी है चंदन का है। ये इतना बड़ा टॉयलेट।